अगर विद्या नहीं है, अगर अगर तप नहीं है, अगर अगर धर्म नहीं है, अगर दान नहीं है, अगर स्वभाव में शील नहीं है, समझ रहे हो? क्या क्या चाहिए? विद्या चाहिए, तप चाहिए, दान चाहिए, ज्ञान चाहिए, शील चाहिए, गुण चाहिए। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है, बोलिए। और जीवन में धर्म का पदार्पण हो जाता है, फिर आप मनुष्य हैं। फिर क्या है आप, बोलिए ना। और कभी कभी हम दो पाए वाले पशु होते हैं, पशु मनुष्य, नर पशु, धन पशु। ना विद्या है, ना शील है, ना सौहार्द है, ना प्रेम है, ना आज्ञा पालन करने की प्रवृत्ति है, और ना अनुने निवेदन ही सुनना जानता है। क्या है वो, बोलो ना बंधु। इसलिए सबसे पहले मनुष्य होने की प्रक्रिया में से गुजरना है, और श्री रामचरितमानस मनुष्य बनाने की प्रक्रिया है। रामचरितमानस का निमज्जन मंथन, इसमें उतरना, इसमें उतराना। और सबसे पहले पहला अक्षर है वर्णानामर्थ संघाना। पहला अक्षर क्या है? वर्ण। और रामचरितमानस का अंतिम अक्षर क्या है? दहतीनो मानवः, वर्ण मानव। क्या है वर्ण? आपका वर्ण क्या है? आपका वर्ण क्या है? आपकी जात क्या है? यात्रियक है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई 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 चौपाया है, कोई कोई सर्प की जाति के हैं, कोई कछुए हैं, कोई पेट से, पेट के बल चलते हैं, कोई चार पांव, कईयों के तो हजार हजार सैकड़ों सैकड़ों पैर हैं। वो जात है उनकी। हमारी जात क्या है? मनुष्य। क्या है? भगवान का अवतरण किस जाति में हुआ देवियों? किस वर्ण में हुआ? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मनुष्य कैसे होंगे हम? मनुष्य होने की विधा क्या है? उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अयोध्या कांड में। तो मनुष्य होना है, सबसे पहले क्या चाहिए? विद्या चाहिए। क्या चाहिए? विद्या चाहिए। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब। विद्यालय, और हमारे हैं शिक्षालय। हमारे यहाँ शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। पढ़ने के बाद लगता है अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाए, अच्छा पैकेज होना चाहिए, उससे हम अच्छा घर बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, मनचाहे कपड़े पहनेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है? आप बीटेक क्यों कर रहे हो? बीबीए क्यों कर रहे हो? फैशन डिजाइनर क्यों बन रहे हो? बोलो ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बने? डॉक्टर इंजीनियर क्यों बने? क्यों, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ये है शिक्षा, जिंदा रहने की शिक्षा। क्या है? जिंदा। और जिंदा तो पशु पक्षी भी रहते हैं कि नहीं, बोलिए ना। चोगा चुगना आता है ना उन्हें, बच्चे पैदा करना आता है ना उन्हें, पालना आता है ना उन्हें। और कपड़े तो उनको खरीदने ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको पहले कोट वोट पहनाकर भेजा है। सर्दी का भालू, आपने देखा दक्षिणी ध्रुव का भालू, कितने लंबे लंबे उस पे बाल होते हैं। भगवान ने संपूर्ण व्यवस्था की है। जीवित रहना तो पशु पक्षी भी जानते हैं देवियों।
और इसके लिए होती है शिक्षा। लेकिन जिंदा रहना और जीने में फर्क होता है, जान रहे हो दीपालपुर वालों, जिंदा रहना और जीने में फर्क है। बोलो ना, जीना किसे कहते हैं और जिंदा रहना किसको कहते हैं? जिंदा रहना है खाना पीना सोना भोगना हंसना गाना रोना आना जाना। लेकिन जीवित प्राणी शब समान होता है जब उसका शिव के साथ संपर्क नहीं होता। जिंदा रहने और जीने में फर्क है। जब व्यक्ति जीता है तो वो मनुष्यत्व को धारण करता है, देवत्व को धारण करता है, मुमुक्षत्व को धारण करता है और फिर वो परमात्मा के द्वार पर खड़ा होके दस्तक देता है। खोलो दया का द्वार हरि, अब खोलो दया का द्वार, अब आपको पाके आपका हो जाना है और मनुष्य तन को सार्थक बनाना है। क्या है ये? गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और दूसरा मनुष्य होने का गुण क्या है? मनुष्य होने का गुण है दूसरा तप। क्या है? अगर आप अरण्य कांड को खंगाल के देखोगे तो फिर आप देखोगे लखन राम सिए कानन बसई, लखन राम सिए कानन बसई, भरत भवन बसई तप कर, लखन राम सिए कानन बसई, भरत भवन बसई तप कर। वहाँ तप है। और तप ये नहीं होता कि हमने धुनी रमाई है, तप ये नहीं होता कि मात्र हम उपवास हैं, तप ये भी होता है कि परिस्थितियों की प्रतिकूलताएं आपको जला रही हैं, अंदर ताप आप अनुभव कर रहे हो और फिर भी आप शांत हो, फिर भी आप अपनी स्थिति में टिके हो। इसलिए तप कहीं इस जंगल में ही नहीं होता देवियों, जानकी सिया लखन तप जंगल में है कानन में है, पर भरत कहाँ है? बोलो ना, भरत तो भवन, और उनका तन जो है वो तपश्चर्या की आग में से गुजर रहा, अपने अपने भीष्ट अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए, बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य तप करता है। देश की आजादी के लिए आपके आपके वीरों ने तप किया ना किया ना? कारागार की कारी कोठड़ी में रहे वीर सावरकर। अभी वीर सावरकर के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की भारतीय संसद में उसका जब उद्घाटन किया तो वो जिस दिन था ना वो वीर सावरकर का जन्मदिन था। सोचो भारतीयों, इससे गौरव की कोई दूसरी बात हो सकती है? क्योंकि वीर सावरकर को न्याय नहीं दे पाया इस देश की संसद। समुन्दर की उत्ताल तरंगों में जिन्होंने पौरुष का विलेख लिखा था, अंडमान की काली कोठड़ी की पत्थर की भीतियों पे जिन्होंने अपने दिल के लहू से वीरता की कहानी लिखी थी, भूल सकोगे? पापी अंग्रेजों ने जिनको कोल्लू का बैल जैसा जीवन व्यवहार किया था, कोल्लू का बैल, इतने पौंड तेल नारियलों में से निकालोगे तब सूखी रोटी खाने को मिलेगी। सोच सकते हो कितनी प्रतीक्षा, कितना तप। दीपालपुर वालों, एक बार फांसी पे चढ़ना आसान होता है, शूली पे चढ़ गई कहानी खत्म हो गई, पर पूरा जिंदगी शूली पे चढ़े रहना, पीड़ा भोगना वेदना भोगना और उसके बाद भी अपनी देशभक्ति को कम नहीं होने देना, इससे बड़ा तप भला और क्या हो सकता है? इसलिए भारत की भूमि तपियों की भूमि, भारत की भूमि यतियों की भूमि। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।